हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है, जीएसटी ऑफिसर किसके किसके पास आ सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड सब कुछ कैसे अपना पूरे करने हैं, कैसे वो लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी जीएसटी होल्डर्स के लिए, एंड वीडियो को आगे शेयर कर देना ताकि और लोग भी जान सके इसके बारे में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखने हैं जिससे इजीली आप जीएसटी वेरिफिकेशन करवा सकें। सो गाइस, 16 मई 2023 से ये स्पेशल ड्राइव ऑल इंडिया बेसिस पर स्टार्ट हो चुकी है। इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए डॉक्यूमेंट समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है नेम प्लेट या जो बोर्ड है वो आपका कम्प्लीट होना चाहिए। सबसे पहले नेम प्लेट का डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर 18 आपको समझना पड़ेगा, ब्रीफली बता देता हूँ आपको। आपको अपनी शॉप के गोडाउन की दुकान के बाहर नेम प्लेट जो है वो लगवानी है। उस नेम प्लेट का फॉर्मेट क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। मतलब कुल मिला के आपके जो भी शॉप है, जो भी गोडाउन है, कुछ भी है, उसके बाहर आपको नेम प्लेट लगाना है, मैंडेटरी है। और नेम प्लेट में क्या फॉर्मेट होगा वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए बता देता हूँ आपका फॉर्मेट क्या होगा। तो सपोज़ ये आपका बोर्ड है, ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा ट्रेड नेम, जैसे कि हमारा ट्रेड नेम है लीगल टैक्स, है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके सबसे पहले ये आ जाएगा हमारा लीगल टैक्स जो भी है, ठीक है, सबसे टॉप पे ये आएगा। फिर उसके बाद उसके सेकेंड लाइन पर आपको लिखना है जो भी आपका GSTN नंबर है, जो भी आपका GST नंबर है वो आपको लिखना है इसके बाद, इसकी सेकेंड लाइन में। जैसे कि सपोज़ GST नंबर मान लो कुछ भी, ठीक है, तो वो ऐसे करके लिख देना आपको, ठीक है, ये भी आ गया। एंड उसी के जस्ट नीचे फिर आपको लिखना है आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस भी आपको ऐड कर देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको फिर उसके बाद अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। तो ये जो ये है, ये फॉर्मेट आपको रखना है, ठीक है, ये था फॉर्मेट। ये तीन चीज़ें आपकी नेम प्लेट में मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ ही काफ़ी शॉप्स एंड शोरूम्स होते हैं जो कि बोर्ड लगाते हैं अपनी शॉप्स के बाहर। बोर्ड जैसे कि हमने बोर्ड बनाया एंड उस पर हमारा ब्रांड नेम लिखा जैसे कि लीगल टैक्स, तो उसके ऊपर हमारा GST नंबर मेंशन होना ज़रूरी है एंड लिखना पड़ेगा। मतलब कि कई लोग होते हैं जो अपने शॉप्स के बाहर बोर्ड लगा देते हैं या फिर कुछ भी ऐसी जगह पे लगा देते हैं, तो उसमें अब GST नंबर जो है वो लिखना मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है। रूल नंबर 18 इसके बारे में क्या कहता है आइए समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अ प्रोमिनेंट लोकेशन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेसेज ऑफ बिजनेस। तो चलो इससे एक बात तो समझ आ गई, नेम प्लेट के बोर्ड की बात आपको समझ आ गई। उसके साथ साथ जो आपका GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसा सा होता है। ये आपका GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसकी प्रिंट आउट आपको लेना है एंड उसको किसी ऐसी जगह पे फिक्स करना है कि कस्टमर्स को वो ईजिली विजिबल हो, मतलब इजीली कस्टमर उसको देख सके। उनके बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, उनके शॉप का फ्रंट एरिया होता है, जो शॉप का मेन गेट होता है, वो वहीं पे GST सर्टिफिकेट लगा देते हैं, या फिर आपका रिसेप्शन काउंटर है वहीं पे लगा सकते हैं। बस आपको ये बात याद रखनी है कि वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से सबको ईजिली विजिबल हो, यानी प्रोमिनेंट लोकेशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपका गोडाउन है, गोडाउन में माल रखा हुआ है, उसके सामान के पीछे आपने अपना GST सर्टिफिकेट लगा दिया, ठीक है, ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट जिससे कस्टमर को ईजिली विजिबल हो। तो अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड एग्जिबिटेड एट द एंट्री ऑफ हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेसेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ़ सामने आपने नेम बोर्ड लगाया तो नेम बोर्ड में भी आपका GST नंबर होना चाहिए। नेम प्लेट लगाई हुई है
तो नेम प्लेट में भी आपका GST नंबर होना चाहिए, एंड साथ में अगर आप एड्रेस भी डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। और मेन बात ये आपको अभी जगाल और मेन बात आपको सभी जगह लगाना है अभी है। मतलब आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी हैं वो आपके GST में एंटर होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपकी एक शॉप है तो वो शॉप भी होनी चाहिए, आपका एक गोडाउन है तो वो भी उसमें आपका GST में मतलब शो होना चाहिए। दोनों जगह दोनों एड्रेस आपके GST नंबर पे ऐड होने चाहिए, मैंडेटरी है। गोडाउन पे भी आपको वो सर्टिफिकेट लगाना है, अपनी शॉप के बाहर भी वो सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन बस ये याद रखना है कि बाहर नहीं लगाना, किसी ऐसी जगह लगाना है जहाँ से कस्टमर को वो विजिबल हो, तो आप अपने रिसेप्शन काउंटर पे उसको लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। सेकेंड पॉइंट है KYC एंड फाइनेंशियल वेरीफिकेशन ऑफ ओनर। नाउ दूसरा पॉइंट ये है कि KYC डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन ओनर का भी किया जा सकता है। जब ऑफिसर आपके पास आएगा उस सिचुएशन में आपको अपना पैन कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड एंड आधार कार्ड वो किसी को मतलब शो करना है, ऑफिसर्स को शो करना है, एंड उसके साथ आपको अपनी लास्ट 3 ईयर की ITR रेडी रख सकते हैं। मतलब ITR रेडी रख लेना, वो मांगते हैं तो उसको आप शो कर सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट ऑफ फर्म, सो ये बेसिकली उसके बाद आ जाता है बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ फर्म। सो बेसिकली जो पूरी ड्राइव है ना, इसका बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट चाहती है जितनी भी फेक GST फर्म्स हैं जिनकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र हो रहा होता है उनको बंद करवाओ, उन सारे GST को कैंसिल करवाओ। इन सब के चक्कर में जो जेन्युइन पर्सन होते हैं वो ना फंस जाएँ, तो आपको सारे कॉम्प्लाइंसेस पूरे करने पड़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा आ जाता है GST रिटर्न एंड सेल परचेस्ड रिकॉर्ड। देखिए पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये स्पेशल ड्राइव GST की कोई स्क्रूटनी नहीं है, ना ही कोई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न है, ये ओनली आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है कि आपका रजिस्ट्रेशन जेन्युइन है या नहीं है। फिर भी हो सकता है GST ऑफिसर जब आपके पास आए तो GST के रिटर्न्स आपसे मांगे और आपके आपके जो भी सेल परचेस का रिकॉर्ड है वो मांग सकता है। तो उसके लिए जितने भी सेल के बिल्स हैं उसको प्रॉपर इन्वॉइसेस आप बना लीजिए, परचेजेस के सारे इन्वॉइसेस आप मैच कर लीजिए, उसको अपनी बुक्स में लगा लीजिए, सो दैट इसको तैयार करके आप साइड में रख लें। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जिस एड्रेस पे आप काम कर रहे हैं, आपकी शॉप है, आपका गोडाउन है, आपका ऑफिस है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ क्या है आपके पास? अगर वो रेंटेड है, अगर वो रेंटेड प्रेमाइसिस है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट है, आपको रेंट एग्रीमेंट चेक करना है कि कंप्लीट रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, नोटराइज्ड होना चाहिए आपका रेंट एग्रीमेंट। ऑल्सो ये भी देख लीजिए रेंट एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सपायर। कई सिचुएशन में हो सकता है 3-4 साल पहले आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया हो, GST नंबर आ गया हो, उसके बाद रेंट एग्रीमेंट कभी रिन्यू ही ना करवाया हो, तो इसलिए लेटेस्ट अपडेटेड रेंट एग्रीमेंट नोटराइज होना चाहिए। तो रेंट एग्रीमेंट भी बनवा के रख लीजिए साइड में, सेफर साइड के लिए, अगर ऑफिसर मांगते हैं तो उनको दे दीजिएगा। अगर आपका अपना प्रीमाइसिस है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट वाला आप शो कर सकते हैं, आपके पास सेल डीड है तो वो भी आप शो कर सकते हो, आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है आप वो भी शो कर सकते हो, या म्यूनिसिपल टैक्स की रिसिप्ट है तो आप वो भी शो कर सकते हो, ओनरशिप का जो भी डॉक्यूमेंट है आप वो भी शो कर सकते हो। अगर कंसल्टेड प्रीमाइसिस है, आपके फादर के नाम पे घर है या आपकी मदर के नाम पे घर है, तो एक NOC आपके पास होनी चाहिए, NOC आपकी नोटराइज्ड होनी चाहिए, उसके साथ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या ओनरशिप का बिल जो कि आपको आपके मदर फादर के नेम पे है वो चीज़ शो कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ और है वो भी ध्यान में रखिएगा, मेक श्योर ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी एडेड इन GST। जितने भी आपके बिजनेसेस हैं, जितनी भी आपकी शॉप्स हैं आपके उसमें ऐड होनी चाहिए, आपकी कोई ब्रांच है तो वो भी उसमें ऐड होनी चाहिए, अगर कोई गोडाउन है तो वो गोडाउन भी आपके GST में ऐड होना चाहिए, आपका GST वहाँ भी लगा होना चाहिए, आपकी नेम प्लेट, बोर्ड, GST नंबर सब लगा होना चाहिए। तो ये था डॉक्यूमेंट जो आपसे GST ऑफिसर मांग सकते हैं, इसी के साथ आपको वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं GST ऑफिसर, उसका भी आपको मतलब GST ऑफिसर आपसे कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं GST ऑफिसर तो वो भी आपको दिखा देने हैं, ये सारे कॉम्प्लाइंसेज आपको ज़रूर देखने हैं। अब अगर कोई नॉन कॉम्प्लाइंस पाया जाता है तो क्या पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, मतलब किसी के अगर GST फेक लगा तो आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टी लग सकती है वो बात कर लेते हैं। दो मेन पेनल्टीज़ हैं जो आपके ऊपर लग सकती हैं, सबसे फर्स्ट एंड सबसे मेन आपका GST नंबर कैंसिल हो सकता है एज़ पर प्रोविज़न एंड एज़ पर इंस्ट्रक्शंस। दूसरा आपका जो आपके ऊपर पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है 50,000 रुपीज़ तक की। तो ध्यान दीजिए अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स
फटाफट रेडी करके रख लीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड डॉक्यूमेंट्स में अपना प्यार मतलब एंड कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर दीजिए। एंड हाँ, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता लग जाए। तो चलिए, मैं योगेंद्र सिंह इसी के साथ विदा लेता हूँ। ऐसी तरह तरह की लेटेस्ट अपडेटेड एंड सारे गवर्नमेंट लाइसेंस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड हिट अ बेल आइकन कि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुक्रिया।